जीरा तेल दलहन समेत कई सामान एक्सपायरी बाद डुप्लीकेट ब्रांड के मिले पप्पू चौधरी के किराना की दुकान से। जी हाँ, सिमडेगा जिले के किराना दुकानों से अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में खाद्य विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान चलाने की सूचना मिलते ही धड़ाधड़ किरानी दुकान बंद होने लगी। जिले के प्रसिद्ध लखू अग्रवाल, शंभू अग्रवाल किराना दुकान व गुलजार गली स्थित विशंबर चौधरी किराना दुकान खुदरा व होलसेलर के यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान जीरा खाद्य तेल दलहन व अन्य एक्सपायरी कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट ब्रांडों को जब्त करते हुए गोदाम को सील किया गया। साथ ही आपको बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित विशंबर चौधरी पप्पू चौधरी के खुदरा व होलसेल दुकान में डुप्लीकेट ब्रांड का जीरा, एक्सपायरी सरसों का खाद्य वस्तु भारी मात्रा में गोदाम में मिले हैं। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा जीरा व अन्य पदार्थों का बिल मांगे जाने पर नानुकर करके काफी देर से बिल को दिखाया गया। छापेमारी अभियान में दंड अधिकारी मंजर हसन, थाना प्रभारी दयानंद प्रसाद के साथ ही खाद्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी दौरान शहर के दुकानों से भारी मात्रा में सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि सैंपल जांच के उपरांत ही दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिसंबर में चौधरी पप्पू चौधरी पर आर्थिक दंड लगाया गया। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।